गंगाजल से होगा कोरोना का खात्मा। देश में कोरोना के इलाज को लेकर जगी उम्मीद। बीएचयू का है दावा, गंगाजल से बनाया नेजल स्प्रे। 20 रुपए की लागत में छूमंतर होगा कोरोना। जी हां, गंगाजल से कोरोना के इलाज को लेकर उम्मीद जगी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ICMR और एथिकल कमेटी ने 6 हफ्तों में जवाब मांगा है। कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किए जाने के बाद इस पर शोध करने वाले बीएचयू के डॉक्टर बेहद उत्साहित हैं और उनका दावा है कि ये डेल्टा प्लस पर भी कारगर है। कोरोना की पहली लहर के साथ ही गंगा किनारे बसने वाले लोगों पर इस महामारी के कम प्रभाव ने चर्चा का विषय बना दिया, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टरों ने तो इस पर शोध करके बकायदे गंगा जल से एक नेजल स्प्रे तक बना डाला और दावा किया कि स्प्रे के इस्तेमाल से कोरोना को हराया जा सकता है। इस इलाज के दावे के पीछे गंगाजल में पाए जाने वाले वायरोफेज को जिम्मेदार ठहरा गया और महज 20 रुपए की लागत से गंगाजल का नोजल स्प्रे तैयार कर डाला। इस संबंध में आगे के शोध और ह्यूमन ट्रायल के लिए रुकावट होने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका का संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने नोटिस भेजकर अब इस संबंध में ICMR और भारत सरकार के एथिकल कमेटी से 6 हफ्तों में जवाब मांगा है। इसके बाद ये एक बार फिर 10 महीनों से रुके इस दावे को हवा मिल गई है कि गंगाजल से कोरोना का इलाज होगा और रिसर्च टीम के बीएचयू के डॉक्टर भी इससे काफी उत्साहित हैं। अब तक पूरी दुनिया के वैज्ञानिक मिलकर कोरोना जैसी जानलेवा महामारी का इलाज नहीं खोज पाए हैं। केवल बचाव के लिए वैक्सीन तो है, लेकिन बीमार होने पर लक्षण के अनुसार दवाई ही इसका उपाय निकलकर सामने आ सकता है। कहीं न कहीं इस बीमारी का पूरा जड़ से इलाज और दवा छिपी है। क्या ये दवा मामूली से लगने वाले गंगाजल में छिपी है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए बीएचयू के न्यूरोलॉजी विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक और उनकी टीम ने पिछले साल कोरोना की पहली लहर के दौरान सितंबर में गंगाजल से नोजल स्प्रे तैयार करके दावा किया कि रोजाना 4 पंप स्प्रे लेने से कोरोना छूमंतर हो जाएगा और कभी होगा ही नहीं। कुछ लोगों पर पायलट अध्ययन किया गया कि जो लोग 15 वर्षों से गंगा में नहाते हैं या गंगा का पानी पीते हैं, उनकी एंटीजन और RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव मिली, जबकि गंगा का पानी न इस्तेमाल करने वालों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और 2 मौत भी हुई। उन्होंने गंगा जल के नेजल स्प्रे की लागत के बारे में बताया कि महज 20 रुपए में एक शीशी तैयार की गई है। नेजल स्प्रे बनाने के लिए गंगोत्री के नीचे गंगनानी से गंगा जल लिया गया था। गंगा जल नेजल स्प्रे दिन भर में 3 बार 4-4 पंप करना पड़ेगा। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।